बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हैं आप? उम्मीद करूँगा आप ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे, जिस भी कंट्री में होंगे। यार इधर ही आए किधर, कमेंट देख लो। मेरे दोस्त एक कमेंट करते हैं, दोस्त मैं किसी की बात शायद ना करूँ, मैं अपनी खुद की बात कर लूँगा इस वीडियो के अंदर, ताकि आपको सच लगे। मैं इसलिए अपनी बात करूँगा। तो मेरे जिस तरह भाई कह रहे हैं, मैंने आज़ाद वीज़ा लिया, उसके लिए मेरे पास यानी एक अपना शिनाख्ती कार्ड बनवाना होता है, सिम वाला, मतलब वो चल जाएगा या नहीं चलेगा या नए को बनवाना पड़ेगा। मेरे दोस्त और पेरे भाई, मेरे पास जो अपना शिनाख्ती कार्ड है, आईडी कार्ड है, वो मेरा सिम वाला है। मैं किसी की बात नहीं करूँगा। हो सकता है कोई कुछ कहे, कोई कुछ कहे, मैं अपनी ज़ाती बात कहूँगा, क्योंकि मैं इस वक्त आप ज़ाती बात इसलिए कह रहा हूँ, मैं भी सऊदी अरब के अंदर मौजूद हूँ, तमाम सिटी मौजूद हूँ। तो आप देख तो रहे, नहीं देख रहे तो देख लीजिए, मैं तमाम सीको मार्केट में इस वक्त मौजूद हूँ। यूट्यूब पर सर्च करें और देख सकते हैं तमाम सीको मार्केट। तो उसके बाद मेरे प्यारे भाई, आप सिम वाला शिनाख्ती कार्ड आपके लिए चल जाएगा, लेकिन आप आज़ाद वीज़ा ले रहे हैं, इसके लिए मैं अपने भाई को ये मशवरा दूंगा, आप आना चाहते हैं, अभी लिया है या नहीं लिया, इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। अगर नहीं लिया तो आपके ज़रा समझ सोच रखनी चाहिए इसके लिए, कि मेरे भाई अगर आप आ रहे हैं तो आज़ाद वीज़ा का जो आप काम जानते हैं उसी के मुताबिक सऊदी अरब में आएँ, उसी का वीज़ा लेकर आएँ। दूसरा वीज़ा मत लीजिएगा, मैं आपको पहले ही इंतबाह करता हूँ, शेयर करता हूँ, कि ये मत ना, ये ना हो कि मेरे भी कान बजन लग पे, मेरे कान बजने लगे, क्योंकि मैंने इतनी वीडियो बनाई है, इतना बोला हूँ तो मेरे कान अब बजने शुरू स्टार्ट हो चुके हैं। शायद आपको ये मामूली बातें लगती होंगी, मेरे लिए डबल डबल आवाज़ें आ रही हैं। तो मेरे प्यारे भाई, आपको वही वीज़ा लेने चाहिए जो आप काम जानते हैं, ठीक है? उम्मीद करूँगा मेरे दोस्त और प्यारे भाई, आप भी ज़रूर मेरी बात को समझ गए होंगे। तो शिनाख्ती कार्ड सिम वाला चल जाएगा, कोई मुश्किल नहीं। आप कंपनी पर आ रहे हैं, कंपनी वीज़ा पर आ रहे हैं, आज़ाद वीज़ा पर आ रहे हैं, ड्राइवर वीज़ा पर आ रहे हैं, कोई से भी आपके पास वीज़ा है, वर्क वीज़ा है, विजिट वीज़ा है, कोई भी है आपके पास वीज़ा, तो जिस तरह मैं कह रहा हूँ ना हाथों से, इसी तरीके भाईजान आपके पास सिम वाला शिनाख्ती कार्ड भी चल जाएगा। मेरे पास सिम वाला शिनाख्ती कार्ड ही है, वो चल गया है। मैंने भी नया वीज़ा लिया था, वो चल गया था, मेरे से किसी ने नहीं पूछा। तो मेरे दोस्तों, उम्मीद करूँगा मेरी बात आप ज़रूर समझ गए होंगे। कोई भी इंफॉर्मेशन मेरा दोस्त भाई जानना चाहता है, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, किसी कंट्री से या सऊदी अरबिया के अंदर से, तो मुझे कमेंट कर सकता है, इसके ऊपर में हम वीडियो बनाकर आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दीजिए मोहम्मद असद को इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा और साथ साथ मोहम्मद असद को भी याद रखिएगा, जो कि हैं दमाम में सीको मार्केट। अल्लाह हाफिज़।